चैन दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एनसीसी। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर आया हूं। हिस्ट्री की क्लास में मैंने आपको सिकंदर का कार्यकाल और मौर्यवंश का कार्यकाल पढ़ा दिया गया है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बिंदुसार के कार्यकाल के बारे में पढ़ाऊँगा। इसके बाद सम्राट अशोक के बारे में पढ़ाऊँगा। इसका जो नेक्स्ट क्लास मेरा चलेगा सम्राट अशोक का चलेगा। अभी मैं आपको बिंदुसार के बारे में बताता हूँ, बिंदुसार की जीवनी में क्या क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपका वो मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समय को ज़्यादा वेस्टेज ना करते हुए अभी हम चलते हैं सिलेबस की ओर। मैं अपनी क्लास में आपको हिस्ट्री मैथ वगैरह, हिस्ट्री है, मैथ है और जीके वगैरह सारा कवर करूँगा। धीरे धीरे ये जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ आपको, ये भी सारा MPSI की क्लास में आता है। तो आप मेन पॉइंट में वही पॉइंट आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो हर बार क्लास के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आता है, वही पढ़ाता हूँ। ज़्यादा मैं बेस्टेज चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अभी जो भी क्लास में मैंने आपको पॉइंट दिया है, जो ये जो बिंदुसार का जो चैप्टर है इसमें यही चीज़ें जो पूछी जाती हैं SI में, पटवारी में, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट आपके शुरू करते हैं क्लास। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार जो मौर्यवंश का, जिससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था मौर्यवंश के बारे में जो पढ़ाया था, मौर्यवंश के बाद जो राजा शासक बने, मौर्यवंश का जो कार्यकाल खत्म हुआ, मौर्यवंश मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल खत्म हुआ, उसका उनके उत्तराधिकारी थे वो थे बिंदुसार। बिंदुसार कब क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे, मतलब हुए जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राज गद्दी पर बैठे। मतलब बिंदुसार का जिनका जो कार्यकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो कब तक चला? 298 ईसा पूर्व में चला। और 298 ईसा पूर्व के बाद चंद्रगुप्त की जगह कौन राजा बन गया? ये बिंदुसार ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य की जगह वो उनके शासक बन गए, उनकी जगह वो उन्होंने गद्दी को ग्रहण कर लिया, मतलब बैठ गए गद्दी पर, राजा बन चुके थे। अमिताघात के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, बिंदुसार के नाम से तो इनको जाना, इनका एक नाम और भी था, उसका नाम था अमिताघात भी इनका। किसी के दो नए नाम होते ना, तो कभी किताब में आपको बिंदुसार मिलेगा और किसी किताब में अगर आपको अमिताघात मिलता है तो आप ये नहीं सोचना कि ये बिंदुसार नहीं है, बिंदुसार का ही दूसरा नाम क्या है, अमिताघात के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय क्या होता है? आजीवक संप्रदाय उस टाइम छोटे छोटे कबीले होते हैं, उनकी अलग अलग रूल रेगुलेशन चलते थे। ये जो मगध के राजा थे वहाँ आजीवक संप्रदाय एक संस्था थी। संस्था कैसे से जो छोटे छोटे धर्म बनते हैं उसी टाइप का एक धर्म था आजीवक संप्रदाय, उसी में ये उसी के अनुयायी थे। ओके, अब पॉइंट नंबर टू पर चलते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, वायु पुराण एक बुक है जो पुराने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथ में वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा जाता है। इनका बारीसार भी नाम है और भद्रसार भी इनका नाम है। जो वायु पुराण बुक है, जो ग्रंथ है, उसमें ही इनका नाम भद्रसार और बारीसार के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इनके चार नाम हो गए, बिंदुसार, अमिताघात, भद्रसार और वारीसार। अब इनका एक दो नाम और आएगा जो कि जैन धर्म के ग्रंथों में जो भी इनका नाम दिया गया है, और भी नाम आएगा धीरे धीरे। अभी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। जो जैन धर्म की बुक है उसमें बिंदुसार को क्या? सिंहसेन भी कहा गया है। ये तीन पॉइंट आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले पॉइंट में क्या करना है, चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार थे। ये सीधा से लो, ये कब आए? 298 ईसा पूर्व में ये मगध के राजा बन गए, और इनको अमिताघात के नाम से भी अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वायु पुराण के अनुसार अगर आपको सिलेबस में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा जाता है, तो आपने क्या करना है? वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार भी कहा जाता है। जैन धर्म के ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। ठीक है, जैन धर्म की बात करूँ। पॉइंट नंबर 4 चलते हैं। बिंदुसार के शासक
जो बिंदुसार थे, बिंदुसार कौन थे, यही थे बिंदुसार, यही बिंदुसार थे, ये अमित्र घात थे, भद्रसार थे, वारिसार थे, सिंहसेन थे, ये सब यही थे। तो बिंदुसार के शासक काल में तक्षला, तक्षला का नाम आपने सुना होगा, तक्षला, सिंध और झेलम, सिंध जो सिंधु नदी थी, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए विद्रोह क्या हुआ था, जब किसी पहले के पहले शासक में जो राजा हुआ करते, राजा महाराजा हुआ करते, उनके खिलाफ क्या कुछ षड्यंत्र रचे जाते थे, कुछ षड्यंत्र रचे जाते थे, षड्यंत्र से क्या होता था, राजगद्दी से राजाओं को हटा दिया जाता था और खुद ही उनके ऊपर शासन कर लिया जाता था। तो इसी प्रकार से यहाँ तक्षशिला में सिंधु घाटी है, सिंधु जो नदी है और झेलम नदी है उसके बीच में, उसके बीच का जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है उसके बीच का, उसमें कुछ विद्रोह की बातें शुरू हो गई। जैसे विद्रोह समझने की कोशिश ये करेंगे, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे ने विद्रोह मेरठ से शुरू किया था, उसी हिसाब से सिंधु नदी के बीच का और झेलम नदी के बीच का जो भूभाग था, जो एरिया था, उसमें विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह का वर्णन बुक में दिया गया इस विद्रोह को दबाने के लिए, तो बिंदुसार ने क्या किया, इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने एक शासक को भेजा, उसका नाम क्या था, अपने शासक दबाने के लिए शासक को भेज दिया, उसका नाम था सुसीम। क्या नाम था, सुसीम। पहले क्या करते थे राजा महाराजा, कहीं विद्रोह चलता था तो वो जाके भेज देते थे अपने शासक को और जाके पूछते थे वहाँ के लोगों से क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, वो गुप्तचर बोलते ना, उनको बोल के वहाँ की जानकारी लेके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसको भेजा, सुसीम। उसके बाद सुसीम को बाद किसको भेज दिया, अशोक को, जो अशोक थे उनको भी भेजा गया, जिससे कि बिंदुसार में जो विद्रोह चल रहा है उस विद्रोह को दूर किया जाए और दोबारा से शांति स्थापित कर दी जाए। अच्छा, अभी बौद्ध विद्वान तारानाथ, बौद्ध जो धर्म के अनुयायी थे उस टाइम, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनका नाम क्या था, तारानाथ। क्या नाम था उनका, तारा। बौद्ध धर्म के अनुयायी तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है, 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। मान के चलो जैसे एक एक स्टेट होता है उसमें कितने राज्य होते हैं, उसी हिसाब से 16 राज्यों का, मतलब इनका जो मगध का जो राजवंश क्षेत्र फैलता वो 16 राज्यों तक फैला हुआ था। इतना किसने बताया, बौद्ध, बौद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार, बौद्ध विद्वान जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तारानाथ, इनके अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर चलते हैं। बिंदुसार की सभा में 500 राज्यों वाली एक मंत्री परिषद भी थी, समझ रहे हो आप लोग। ये मान के चलो अगर 16 राज्यों का शासन चलाना है तो आपको मंत्री भी चाहिए हर विभाग में, जैसे ऊर्जा मंत्री होता है और कृषि मंत्री होता है और एजुकेशन विभाग का मंत्री होता है, जितने भी जल विभाग का मंत्री होता है, इसी हिसाब से सभी क्या मंत्रिमंडल होते थे, पहले उसी टाइम में भी मंत्रिमंडल होते थे। तो 500 सदस्यों का मंत्री परिषद था उस टाइम, 500 सदस्यों का मंत्री परिषद था जिसका प्रधान खल्लाटक था, जिसका प्रधान खल्लाटक था। जैसे कि राज्यसभा लोकसभा में जो स्पीकर होता है, जितने मंत्री परिषद होते हैं उन सभी का जो मेन हेड होता है, जो स्पीकर होता है, उस टाइम जो इनका मंत्री परिषद था उनका जो प्रधान था, प्रधान मतलब जो सबसे सीनियर जिसको माना जाता था, वो कौन था, खल्लाटक था, ठीक है। अच्छा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने की थी, जो आजीवक समुदाय, आजीवक समुदाय ये वाला, आजीवक समुदाय के अनुयायी थे। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने ये पॉइंट लास्ट में इसलिए रख दिया है आपको डाउट ना रहे, तो इसमें क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी बिंदुसार थे वो क्या थे, आजीवक समुदाय के अनुयायी थे। अभी आप लोग सोच रहे हो कि आजीवक समुदाय बीच में कहाँ से आ गया, कब आया, तो कब आ गया, आजीवक समुदाय 298 ईसा पूर्व से पहले का है, और इसके जो रचयिता थे, इन्होंने जिसने ये आजीवक समुदाय बनाया उसके गौशाल थे मखली पुत्र, मखली के फादर का नाम था मखली पुत्र गौशाल ने आजीवक समुदाय को बनाया था, और आजीवक समुदाय को आगे भी चलाने का जो भी प्रक्रिया है, जो उनकी गौशाल के जो वंशज थे उन्होंने ही आगे प्रक्रिया शुरू करी है और अभी तक चली आई। बीच में इनको जब सब अशोक का शासन आया तो आजीवक समुदाय की जो ये आजीवक समुदाय को ख़त्म कर दिया गया, उसका जो भी सिलेबस होगा मैं सम्राट अशोक के जो जीवनी बताऊंगा उसमें कवर करूंगा। तो बिंदुसार जो कि मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के
उत्तराधिकारी थे, इनके जो जो भी इनका जो जीवनी है इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमूमन यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा और भी क्वेश्चन नहीं आता है। अगर कोई क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगेगा हाँ आ रहा तो उसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बना के आपको बताऊंगा, उसके बारे में जानकारी दूंगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।